ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश सबका आनंद करें, सबका भला करें, इसी के साथ उनको नमन करते हुए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज का वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो इस विषय पे है कि किसी के घर में अगर वास्तु दोष हो, कल कलेश का वातावरण बना हुआ हो, सुख शांति भंग हो रही हो, धन की कमी आ रही हो, भोग ऐश्वर्यों की कमी आ रही हो, तो क्या उपाय किया जाए। देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। एक उपाय जो मैंने किया और जिसके बाद मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदली हैं, वो उपाय है तुलसी जी की आराधना करना। घर में जब आपके तुलसी का पौधा होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो सब वास्तु दोषों का निवारण कर देता है। अगर कोई ऊपरी क्रिया कराया भी हो तो भी तुलसी जी जो है उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है। एक बात तो ये, विधिवत तुलसी जी की पूजा आराधना करने से निश्चित ही जो है मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है, ऐसा किताबों में भी कहा गया है। अब किस तरह से तुलसी जी की पूजा की जाए? देखिए, तुलसी जी को पूजा करने की एक पर्टिकुलर विधि है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तुलसी जी की पूजा दिन में दो समय करनी चाहिए, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में जिसे 4:15 बजे से और 5:45 बजे का समय बोला जाता है, ये सुबह का समय होता है। इस समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर और भावपूर्ण माता तुलसी जो होती है उन्हें जल अर्पित करिए और एक घी का दिया जो है उनके आसपास में जलाइए। तुलसी जी का जहाँ भी पौधा होता है साफ सफाई जो है पूरी वहाँ पे रखिएगा, क्योंकि इस कलयुग के अंदर तुलसी जी को माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप माना गया है, तो आसपास में साफ सफाई पूरी रखिएगा। इसके अलावा दूसरा जो समय होता है वो है संध्या काल का। संध्या काल के समय में भी जो है माता जी को जल न चढ़ा के और केवल जो है एक घी का दिया जलाना चाहिए। घी का दिया जहाँ पे जलाते हैं उसके नीचे थोड़े से चावल रख दीजिए और चावल के ऊपर जो है वो घी का दिया जलाएंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा अगर आप कच्चा दूध जो है तुलसी जी को अर्पित करते हैं तो उससे भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि शुक्र जिसके 12वें भाव में हो, यानी 12वें घर में अगर शुक्र हो, ऐसा व्यक्ति माता तुलसी की पूजा आराधना करे तो उसके जीवन में सौभाग्य की अत्यंत 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 वृद्धि होती है। घर परिवार के अंदर खूब शांति बनी रहती है। 12वें शुक्र के लिए माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है या तो दो पत्नियों का स्वामी होता है और या फिर बाहर जाके व्याभिचार करता है, लेकिन माता तुलसी जी की पूजा आराधना करने से ये दोष स्वतः ही दूर हो जाता है। और जो शुक्र 12वें भाव में बैठकर दुराचारी बना रहा था, वही शुक्र सौभाग्य का वरदान देने लगता है और साथ ही साथ जो है खूब उन्नति और खूब तरक्की भी देता है और भाग्य में उन्नति भी देता रहता है। माता तुलसी जी को एकादशी के दिन और संडे के दिन यानी रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का जो दिन होता है और संडे का यानी रविवार का जो दिन होता है, उस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, तो ऐसे में उस समय पे जल चढ़ाना जो है वो उनके व्रत को खंड करने वाली बात होती है, तो इसीलिए उस समय में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और इसकी एक पौराणिक कथा और भी है, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा तुलसी जी की। लेकिन ये उपाय आप जरूर करें, आजमाया हुआ उपाय है। 40 दिन मात्र ये उपाय करने से पुरुषों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनका भाग्य जो है उसमें 100 तरह के और भाग्य जुड़ जाते हैं। और स्त्रियां विधिवत अगर इसको पूजा करती हैं तो उनके पति की जो है आयु और हेल्थ दोनों ही इम्प्रूव रहती हैं और इसके साथ ही साथ घर में लग्जरीज का वास भी रहता है। तो एक बार आप कम से कम 40 दिन ये उपाय करके देखिए, मेरा मानना है आपको निश्चित 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 ही इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कुछ और भी पूछना चाहते हो धर्म ज्योतिष को लेके, तो आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं अगला वीडियो आपके सवाल पर ही बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।